बागमारा विधायक झुल्लू मातो राम राज नहीं रावण राज स्थापित किए हुए हैं। ये कहना है बागमारा के चिट्टाही गांव निवासी कुंती देवी और पति अशोक मातो का। धनबाद गांधी सेवा सदन में विधायक झुल्लू मातो पर आरोप लगाते हुए दंपति ने कहा कि 22 फरवरी को चिट्टाही रामराज मंदिर में ठेला लगाए थे, तभी विधायक झुल्लू मातो आया और गाली गलौज कर भागने को कहा। जब नहीं हटे तो विधायक अपनी गाड़ी से ठेले को घसीटते हुए ले गया। डायल 100 पर फोन किया तो पुलिस आई। इसके बाद झुल्लू मातो के भाई शरत मातो, भरत मातो, प्रेम मातो और उसकी पत्नी सावित्री देवी पहुंची और मुझे मेरे पति और बेटी के साथ मारपीट की, रड से सिर पर मारकर घायल कर दिया। ये सब पुलिस के सामने होता रहा, फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक ने दूसरी महिला से SC का मामला दर्ज करा दिया है। जहाँ थी दुकान वहाँ विधायक ने एक गाड़ी लगा दी। कहा कि वो जहाँ दुकान लगाते थे वहाँ ढुल्लू मातो ने गाड़ी खड़ी कर दी है। कई बार गाड़ी हटाने को कहा लेकिन वो गाड़ी नहीं हटा रहे थे, तब ठेला लगाए जिससे उनका गुजारा हो रहा था लेकिन उसे भी हटा दिया। कुंती देवी ने कहना है कि 24 डिसमल जमीन विधायक ने हड़प ली, इसी पर विवाद चल रहा है। बोल रहा था मेरा गाँव का ढुल्लू मातो तो षड्यंत्रकारी विजय झा नहीं है, षड्यंत्रकारी खुद वो ढुल्लू मातो है। हम टाटा के बोल रहे हैं कि टाटा का विधायक से हम काहे मिलने गए थे, अगर यदि ढुल्लू मातो अपना गांव का विकास खुद देते तो हमको नौमते नहीं आता कि हम टाटा के विधायक से मिलते, चाहे कहीं जाते। उसका तो एगो है कि किसी से भी उलझ जाता है सीधा आदमी को फंसाने के, विजय झा के मेरे ऊपर कोनो ऐसा अथी नहीं है और वो आरोप लगा रहा है, तो अपना न्याय के लिए हम कहीं भी जा सकते। जो यदि आज न्याय करता है ढुल्लू मातो मेरा गांव का तो हम कहे जाते टाटा के विधायक के पास, चाहे और कहा कहीं जाते, अपना गांव का विकास ठीक रहता तो मेरे पेट में लात मारने का काम कर रहा है तो कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तब हम आज आगे बढ़े कि हम ठीक है, तुम मारबे करता ना, मारबे करता और मारबे करेगा। वो बार बार धमकी देता है कि तुम सब दे दो हम लोग जमीन, हाँ सब दे दो, मतलब गलत हम बोलेंगे तो गलत में भी साथ दो, तो हम लोग बोले गलत में हम लोग साथ नहीं देंगे, चाहे उसके लिए आप कुछ भी कीजिए। और आज किया यही कि कुछ भी करने जाते हैं तो सीधे धमकाता है कि तुम लोग को जाने लेंगे तब हम शांति से पाएंगे। और हम जानते यही वाला आवाज जो 2020 में जो उठाया था अथी नंदकिशोर महतो, उसको भी कुचला के दबा दिया गया, कुचल के आखिर एक्सीडेंट करवा दिया ना, उसी तरह हम लोग के भी साथ वो करा सकता है। इसी के खौफ के कारण गांव वाला कुछ उसको बोलने नहीं जाता, वो बोलता है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, और हम लोग से ऐसा नहीं होता है। हम लोग सच्चाई के रास्ते में, हमेशा सच्चाई के रास्ते में रहेंगे, चाहे उसके लिए ढुल्लू मातो मार दे हम लोग को, चाहे जान ले ले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अभी आप लोग से निवेदन है कि उसको वहाँ से गाड़ी हटाइए। मेरे बाल बच्चा आज 8 दिन से हम लोग का दुकान बंद है, क्या क्या करके लगा दिया है 44 ने क्या क्या, उसके लिए हम लोग रोज कमाते हैं तो लेके अपना बच्चा का भरण पोषण करते हैं, किसी तरह पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप लोग से यही निवेदन है कि कम से कम उसका गाड़ी वहाँ से हटाया जाए और हमको न्याय मिले, और उसका CCTV कैमरा चेक कीजिए कि हम उसमें दोषी है ना, वो दोषी है। मंदिर में सार्वजनिक CCTV खाली जूता चप्पल रखने के लिए नहीं बना है, सबके लिए बना है। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, सफाई देने का ना उसका अवसर मिलेगा ना हमको, वो तो खाली झूठे झूठ झूठे झूठ पर बोलते जा रहा है। उसका भाई शरद मातो, उसका शरद मातो देखा, वो भी मारपीट के हमको सार्वजनिक जैसा गाली गलौज देके कर दिया, प्रशासन कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर ढुल्लू मातो हमको उसी की तरह वो भी करने लगा, अभद अभद गाली मारबो किया, यहाँ सूजन भी हो गया और बोला हॉस्पिटल 10 मिनट में आए रही, 10 मिनट में तेरी माई बेटा का लाश जीतू है। तो हम अगर षड्यंत्रकारी है तो CCTV कैमरा जांच किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 6 महीना पहले बोला था कि CCTV कैमरा खराब है, जब शरद मातो हमसे लड़ाई कर रहा था और औरत समझ के मारपीट किया, उस समय बोला था CCTV कैमरा खराब है, और आज भी हम जानते हैं कि ढुल्लू मातो बोलेगा CCTV कैमरा खराब है। CCTV कैमरा जांच किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाए। मंदिर में CCTV कैमरा जो लगा हुआ है उससे तो पता चल जाएगा। कुंती देवी।